शांति प्रिय लोग हैं, चुनाव जीतेंगे और बढ़िया से आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। उम्मीद है कि 6 से 7 हजार वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी हम लोग 2500 वोट से आगे हैं। ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, मतगणना की जिस तरह प्रक्रिया है, अब 18वें राउंड की भी गिनती हो चुकी है लगभग। जदयू अब 2400 के आसपास वोटों से आगे चल रही है। अब जदयू कार्यालय में इस वक्त मौजूद आप देख सकते हैं कि अब कार्यकर्ता काफ़ी आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हमसे बातचीत करेंगे, जिस तरह से राउंड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता को विश्वास है आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी पर। जनता वोट दिया है और निकलेंगे ही, नहीं निकलने कोई बात ही नहीं है। नीतीश जी और जो है तेजस्वी जी को वोट मिला है, उन्हीं के काम पर वोट मिला है और हम निकलेंगे और हमारी जीत हो ही रही है, हमारी जीत है जी। जरूर देखिए, और भी हैं, क्या कुछ कहेंगे नीतीश जी? जिस तरह से लगातार जदयू बढ़त बना रही है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है मिठाई और गुलाल का व्यवस्था नहीं किए, क्या लग रहा है अंतिम क्षण में? ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें हम स्पष्ट हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और चूंकि हमारी बिहार में सरकार चल रही है तो हम लोग खुशी, उनको दुख होना चाहिए ना, हम लोग तो जीत ही रहे थे हम लोग को। और बात रहा मिठाई बांटने का, तो बस रिजल्ट परिणाम आ जाएंगे। चूंकि हम लोग याद होगा 15 में क्या हुआ था कि वो लोग पटाखा फोड़ दिए थे और मिठाई बांट दिए थे, उसका असर क्या हुआ था। शाहनवाज हुसैन साहब सब और उसके बाद मयूख साहब जो भी लोग भाजपा के लोग नेता हैं, तो वो डर लगा हुआ कि नहीं, डर की बात नहीं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, चुनाव जीतेंगे और बढ़िया से आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। चुनाव बस 5 राउंड और बाकी हैं और 5 राउंड के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी 2400-2500 वोटों से आगे हैं, तो ये मार्जिन बढ़ करके कम से कम 5000 से ऊपर जाने की हम लोग को लग रहा है। क्या लग रहा है? लगना क्या, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं कुर्नी में और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे लोगों ने आस्था फिर से जताई है और विश्वास दिखा के महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मनोज कुशवाहा जी को भारी मतों से जिताई गया, ऐसे हमें उम्मीद है। अभी हम लोग 2475 वोट के आसपास आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 6 से 7 हजार वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 6 से 7, क्या कुछ लग रहा है? जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव गए थे प्रचार करने, तो क्या लग रहा है, वो फैक्टर काम कर रहा है? फैक्टर असली काम किया, 2015 में फैक्टर काम किया, 2022 में फैक्टर काम किया, 2024 में फैक्टर काम किया, 2025 में फैक्टर काम करेगा। अभी हम लोग 2500 वोट से आगे हैं और ये मार्जिन आगे बढ़ते बढ़ते 5-6 हजार वोट से हम लोग विजय पाएंगे। जिस तरह से आप लोग गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी पे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कुर्नी में जो है लगातार बढ़त बना रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ओवैसी बिना पेना के लौटे हैं, मुसलमान जो है उनको नेगलेक्ट कर दिया, मुसलमान उनको वोट दिया ही नहीं। ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, वो लोकसभा के अंदर में आप देखते होंगे कि ओवैसी साहब बोलते हैं तो आदरणीय मोदी जी खुश होते हैं, अमित शाह खुश होते हैं, और वो बोलते हैं ये खुश होता है, ये बोलते हैं वो खुश होता है, ओवैसी जी करते तो वो खुश होता है, वो करते तो ये खुश होता है। इसलिए उनको चाहिए कि किसी से अगर सेकुलर है तो सेकुलर से गठबंधन करे, नहीं तो बीजेपी से गठबंधन वो कर लेना चाहिए। वो बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी को हर जंग जिताने की बात करते हैं, मुसलमान बुझ गया है, अल्पसंख्यक जो है उसको बात पर नहीं चलेगा, अब नहीं चलने वाला है। और वैसी पिना का लोटा है, वो एकदम जो है ओवैसी की बात मुसलमान न माना है न मानेगा, अब और उनको नेगलेक्ट कर दिया मुसलमान। आप लोग कह रहे हैं ओवैसी की बात, मुकेश सहनी को भी, मुकेश सहनी भी इस चुनाव में उतरे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि मुकेश सहनी को इसलिए उतारे कि वोट कटवा हो और बीजेपी वहां से जो है उसकी जीत की संभावना कम हो। देखिए, मुकेश सहनी जी के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी जी खड़ा की है कैंडिडेट, लेकिन कैंडिडेट को जो है उनके कैंडिडेट को वोट नहीं मिला, वोट जो है बीजेपी को चला गया उनका, लेकिन ओवैसी की बात अब नहीं चलेगी पूरे भारत में। मुकेश सहनी का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ जी। जरूर, तो आपने सुना कार्यकर्ता का, जिनका कहना है कि जिस तरह से AIM यानी जो ओवैसी की पार्टी है वो फैक्टर यहाँ काम नहीं की बीजेपी की, और बीजेपी ओवैसी की बात करते हैं, ओवैसी बीजेपी की बात करते हैं, जनता की बात कोई नहीं करते, तो जीत हमारी सुनिश्चित है और लगातार हम ऐसे ही बढ़त बनाते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।